मेरा नाम धीरेंद्र सिंह है, मैं सिविल बार संघ गाजीपुर का प्रेसिडेंट हूँ। हमारे साथ जो पूर्व में कमेटी गठित हुई थी उसके संयोजक आदरणीय सुरेश सिंह भी बगल में बैठे हैं। मैं सबका परिचय करा दूँ इस समय, कृपया आप संज्ञान में ले लें सभी मित्रों को। और उनके बगल में हमारे महासचिव अशोक कुमार भारती और सेंट्रल बार के महासचिव अनिल सिंह बागी हैं, और आपके बगल में सेंट्रल बार के अध्यक्ष आदरणीय अरविंद श्रीवास्तव हैं, और आपके बगल में हमारे श्रेष्ठ अजय सिंह एडवोकेट हैं। अब बगल में अमर उजाला के पत्रकार कोर्ट के प्रतिनिधि और संघ के पूर्व महासचिव हृदय नारायण सिंह हैं, और आप शशि ज्योति पांडे एक कर्मठ जुझारू हमारे संघ के सदस्य हैं। बगल में एडीजी सी क्रिमिनल वो नारायण सिंह कहते हैं। और बगल में मैं आपकी तारीफ करते हुए कि अब तक जितना हमारा आंदोलन रहा आपकी बड़ी गंभीर और ज़बरदस्त भागीदारी रही आदरणीय विनोद पांडे जी, जो मऊ सेंट्रल बार के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। जब कभी आवश्यकता पड़ी अधिवक्ता के हित के लिए आपने लड़ाई लड़ने का काम किया है। आज आप चूँकि सामने आ गए हैं इसलिए मैं आपके सामने आपकी प्रशंसा करते हुए सिविल बार संघ की तरफ से आपका मैं स्वागत भी करता हूँ। अध्यक्ष जी, आपके कोर्ट में यहाँ पर काफी दिनों से धरना चल रहा था, किस तरह का मामला था और क्या परिणाम निकला? यहाँ पर हमारे सिविल कोर्ट प्रांगण में रजिस्ट्री विभाग का संचालन होता है, रजिस्ट्री विभाग स्थापित है। जिला प्रशासन ने एक सुनियोजित खड्यंत्र रचा कि रजिस्ट्री विभाग को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर बिराने में असुरक्षित स्थान पर, वो भी किराए के मकान में, उसने मंशा बनाई रजिस्ट्री विभाग के स्थानांतरण की। हम अधिवक्ताओं का ये कहना था कि रजिस्ट्री विभाग पूरे प्रदेश में जहाँ कहीं भी रजिस्ट्री विभाग है वो कलेक्ट्रेट या सिविल कोर्ट परिसर के आसपास ही है, इतनी दूर कहीं नहीं है, वो भी असुरक्षित स्थान पर। हमने ये मांग की थी कि या तो सिविल कोर्ट प्रांगण में जहाँ रजिस्ट्री विभाग है वहाँ यथावत रहने दिया जाए, यदि स्थानांतरित करना ही है तो कलेक्ट्रेट कैंपस में उसकी व्यवस्था की जाए, यही हमारी मांग थी। कैंपस के बाहर ही था तो समस्या क्या थी? कैंपस के बाहर 3 किलोमीटर दूर एक तो बाधकारियों के लिए दिक्कत है, जनता के लिए दिक्कत है, इसलिए वह सुरक्षित स्थान है। वहाँ पर पुलिस मुख्यालय से काफ़ी दूरी है, वहाँ कभी भी छिनैती डकैती जैसी घटनाएं हो सकती हैं। दूसरी दिक्कत यह है कि रजिस्ट्री विभाग में मुआयना का संबंध अधिवक्ताओं से होता है, कोई भी भिन्न पत्रावलीकार रजिस्ट्री दस्तावेज का मुआयना जनता खुद नहीं करती बल्कि अपने वकील के माध्यम से कराती है। रजिस्ट्री विभाग कोर्ट कैंपस से 3 किलोमीटर दूर चला जाएगा तो अधिवक्ताओं को परेशानी है ही, साथ में जनता को भी परेशानी है कि वो यहाँ आएगी, यहाँ से अधिवक्ता महोदय को पकड़ेगी, फिर लेकर जाएगी, तमाम विसंगतियों और परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ेगा। इसलिए हमने विरोध किया था, जनता के हित में विरोध किया था। और कितने दिनों का ये आपका धरना था और क्या परिणाम निकला? हमारा आज 12वें दिन धरना था। परिणाम ये निकला कि हमारे जनपद न्यायाधीश महोदय ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नव आगंतुक जिलाधिकारी महोदया आपकी सूझबूझ से धरना समाप्त हुआ। और परिणाम ये निकला आज 10:30 बजे के आसपास जिलाधिकारी महोदया हम लोगों को बुलाई और उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी हमारे साथ में, पहले हम आपको ये बता दें कि 3 बार संघ कलेक्ट्रेट सिविल और सेंट्रल बार संघ का संयुक्त एक अधिवक्ता संघर्ष समिति का गठन किया गया सिविल कोर्ट कैंपस में ही आम सभा की मीटिंग में, उसके संयोजक श्री सुरेश सिंह एडवोकेट बनाए गए। तो संघर्ष समिति के तत्वाधान में ये आंदोलन संचालित हो रहा था तो डीएम साहब से संपर्क करने के बाद डीएम साहब ने कहा कि अध्यक्ष जी आप लोगों की मांग यही है कि जब तक से कलेक्ट्रेट परिसर में या उसके इर्द गिर्द दायरे में
कहीं रजिस्ट्री विभाग के लिए भवन उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक रजिस्ट्री विभाग आपके सिविल कोर्ट कैंपस में ही चलता रहे। हम लोगों ने कहा कि निसंदेह हमारी यही मांग है, तो उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी जिला जज साहब की ये मंशा है, उन्होंने भी कहा है कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जब आप चाहें जब आप बना लें अपनी व्यवस्था कर लें तब आप रजिस्ट्री विभाग को चाहें तो ले जा सकती हैं, वरना यथावत यहीं रहने दिया जाए। जो आपकी मांगें प्रतिशत पूरी होगी, हमारी जो मांग थी एडीएम, उन्होंने बतौर प्रतिनिधि एडीएम अरुण कुमार सिंह को धरना स्थल पर भेजा भी डीएम ने, अरुण कुमार सिंह ने धरना स्थल पर धरना में इकट्ठा हमारे अधिवक्ताओं के समक्ष कहा, जो भी बात हमने बताई है उन्होंने घोषणा की कि रजिस्ट्री विभाग यथावत तब तक रहेगा जब तक से कलेक्ट्रेट परिसर या उसके आसपास कोई व्यवस्था नहीं हो जाती। कहे अच्छा, आखिरी और एक बड़ा खास मुद्दा जो चिंताजनक भी है, महाराजगंज में एक अधिवक्ता के साथ पुलिस अधीक्षक द्वारा मिसबिहेव किया गया है और उनको बुला करके उनकी फीस लेने के आपत्ति की गई। देखिए महाराज गंज की घटना हमारे सिविल बार संघ के संज्ञान में आई है और यह एक दुखद घटना है। एसपी महाराजगंज को कोई अधिकार ही नहीं है कि हम अधिवक्ताओं की फीस वो निर्धारित करें, ऐसा कहकर उन्होंने कंटेम्प्ट किया है। स्वयं एसपी साहब के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। इसके लिए चूंकि वो आईपीएस अधिकारी हैं और शासन के एक ताकतवर वर्दीधारी हैं, सरल तरीके से उनके विरुद्ध कोई बात की नहीं जा सकती। इसके लिए हम अधिवक्ता समाज को, हम बार संघों को महाराजगंज बार संघ के साथ जुड़ते हुए एक आंदोलन का रूप लेना पड़ेगा और निसंदेह इसका प्रतिकार करना पड़ेगा। अब राम जेठमलानी जो देश के सबसे बड़े अधिवक्ता हैं उनकी फीस आईपीएस अधिकारी तय करेगा, इसकी औकात है, इसकी क्षमता है, तो ये निंदनीय है। सिविल बार संघ गाजीपुर इसकी निंदा करता है और हम घोषणा करते हैं कि यदि हमारे मित्र महाराजगंज के अगर उन्होंने अपेक्षा की सिविल बार संघ गाजीपुर से, तो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, जरूरत पड़ी तो महाराजगंज में आकर अपनी क्षमता अपनी ताकत का एहसास भी कराएंगे। प्रशासन और वकील आमने सामने हो सकते हैं? एक वकील आमने सामने नहीं होंगे, ये कैसे आपने सोच लिया? आमने सामने तो पुलिस हमारी रहेगी, हम तो जस्टिफाई विषय को लेकर आंदोलन करेंगे। अब बुद्धिजीवी जमात के लोग हैं, हमारे आंदोलन का तौर तरीका भी डेमोक्रेटिक होता है, लोकतांत्रिक होता है, लेकिन लोकतांत्रिक आंदोलन भी यदि शासन प्रशासन को नहीं पचेगा तो बाध्य होकर हमें डिफेंस भी करना पड़ेगा, इस बात की भी हम निर्णय ले सकते हैं। देखिए ये तो अध्यक्ष जी का बड़प्पन है, मुझे काफ़ी सम्मान देते हैं और पूरी लड़ाई तो गाजीपुर के अधिवक्ताओं ने लड़ी है, हमारे अध्यक्ष जी और जो संघर्ष समिति के जो संयोजक हैं उनके नेतृत्व में इन लोगों के, हम सबसे पहले वहाँ के अधिवक्ता बंधुओं को बधाई देंगे कि जो बहुत ही एकजुट होकर के इस सरकारी फैसले को कि यहाँ से रजिस्ट्री ऑफिस हटा दिया जाए, इस अविवेकपूर्ण फैसले के खिलाफ एकजुट होकर के मैदान में उतरे और कुशल नेतृत्व किया हमारे दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय धीरेन्द्रनाथ सिंह जी ने, संघर्ष समिति के चेयरमैन सुरेश सिंह जी ने और सेंट्रल बार के अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव जी ने और तमाम हमारे जो एक्टिव वहाँ के बार के नेता हैं, इन लोगों ने के नेतृत्व में गाजीपुर के अधिवक्ताओं ने जो लड़ाई लड़ी है वो ऐतिहासिक है और मेरे लायक जब भी कोई हुक्म हुआ मुझे पहुँचना हुआ मैं पहुँचा और मेरा कोई बहुत रोल नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि जब जब आवाज़ आई पहुँचना है मैं पहुँचा, मैं उनके साथ सुख दुख में खड़ा रहा और पूरी लड़ाई का श्रेय वहाँ के अधिवक्ता साथियों को गाजीपुर के
और कुशल नेतृत्व को है। तो केवल वहीं के लिए या और कहीं भी आप करेंगे? नहीं, हम तो हमारा तो नेचर है कि पूरे प्रदेश में नहीं देश में अगर कहीं कोई अधिवक्ता किसी मुसीबत में फंसता है, कोई बात उठाता है, कुछ कहता है, तो उसके लिए हम दौड़ेंगे, चलेंगे और जो कर सकते हैं वो करेंगे। मेरे नेचर में है, मैं अन्याय और अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मेरे ब्लड में है। इसलिए मैं कहीं से भी कोई अगर आवाज आती है, प्रदेश के किसी कोने से आवाज आती है, देश के किसी कोने से आती है और मैं सक्षम हूँ जाने की स्थिति में, तो जरूर पहुंचूंगा।